सुन मंजड़ी दी मिठड़ी ताल वे, सुन मंजड़ी दी मिठड़ी ताल वे, मेता हो गई कुर्बान वे, मेता हो गई कुर्बान वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी जना मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, सब सही दूध दही के साथ एक और नया व्लॉग। कैसी है जना मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, मैं बताती हूँ कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। बेइंतहा सर्दी है, सर्दी का आलम मत पूछें। मैंने अपने नवंबर दिसंबर वाले कपड़े निकाल लिए, ब्लैंकेट रज़ाई के अस्तर धुलवा लिए हैं और आज से हम दो रज़ाई ओढ़ कर सोएंगे। हाँ, क्योंकि सर्दी इस कदर शदीद है, सर्दी के कपड़े पहनो और गर्म पानी से नहाओ और गर्म पानी से वज़ू करो और सूप पियो, गर्म चीज़ें खाओ। और दिसंबर वाली सर्दी जो है वो आ चुकी है, दिसंबर और जनवरी वाली सर्दी जो है वो आ चुकी है, इस कदर ठंड है। समझ गए आप, मेरे घर में गर्मी है नहीं, बहुत सर्दी है। ग़ुलाम मोहम्मद ने हाई नेक पहनी हुई है और हाई नेक के ऊपर शर्ट पहनी हुई है मोटी सी, फिर जैकेट पहन के सो रहा है और ये उनका येलो कलर का टोपा पहना हुआ है ग़ुलाम मोहम्मद ने। सर्दी इस कदर शदीद है कि ये टोपा पहन के सोता है ताकि इसके कानों में ठंड ना लगे। तो ग़ुलाम मोहम्मद, ये टोपा उतार दे बेटा, दो दूँ, उतार दे उन्ना ये टोपा तेरा, उनका दो दूँ मेरा लाल, उठ जा शाबाश। और राशिद सर्दी की वजह से बकरे का गोश्त खा रहे हैं, दिखाना बकरे का गोश्त। ओ वाओ, रोटी के साथ बकरे का गोश्त। इस कदर गर्मी है कि दिमाग काम करना बंद हो गया है, कौन सा मौसम और टाइम क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। जिसकी थाली में सालन है वो सालन गवार का है या बकरे का, ये भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, गर्मी से चक्कर आ रहे भाई। और ये ग़ुलाम मोहम्मद के सर पे उसके बाल हैं या येलो और ब्लैक कलर का टोपा है मुझे ये भी नहीं पता, ये स्किन है या हाई नेक है मुझे ये भी नहीं पता। मेरा मुन्ना, मेरा बबलू खड़ा हो जाए, ट्यूशन का टाइम हो गया बेटा, शाबाश, उठ जा, उठ जा। ग़ुलाम मोहम्मद का ट्यूशन का टाइम हो चुका है, मेरा लल्लू, मेरा गुल्लू ग़ुलाम मोहम्मद ट्यूशन जाएगा, उठ जा मुन्ना, उठ जा। उठ जा राशिद, टाइम हो गया फिक्स ट्यूशन का यार, बस्ता में चल जाऊं, तेरे ट्यूशन जाओगे, कुर्बान चली जाऊं, कुर्बान चली जाऊं। जा खड़ा हो जल्दी, उठ जा शाबाश, उठ जल्दी, खड़ा हो, खड़ा हो, नीचे उतर, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तू खड़ा हो, पट्टा दिए मैंने अलमारी में से, खड़ा हो। चल जा भाग जा, जल्दी खड़ा हो जल्दी, ट्यूशन की तैयारी कर ले। अल्लाह, चार बज रहे हैं, ट्यूशन की पानी पी के दियो, मग्गा खा लिया खाना। अलहमदिल्लामना वसकाना वजालना मिलन मुसलमिन, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख तूने खिलाया पिलाया तमाम मुसलमानों में से बनाया है, या अल्लाह तू उसे खिला जिसने मुझे खिलाया, या अल्लाह तू उसे पिला जिसने मुझे पिलाया। ये था दुआ का तर्जुमा। माशाल्लाह, तीन रोटियां रखी थी, तीनों खाली मेरे मियाँ ने गवार से। टाइम को नहीं, ट्यूशन का हो गया, खड़ा हो जा। चप्पल की अंदर है, खुद की चप्पल अंदर है और की चप्पल अंदर। जा मुन्ना, जा खड़ा हो, गर्मी ने जीना मुश्किल कर दिया। ला खाना नहीं खाया जा रहा मेरे से ही गर्मी में, राशिद मेरे से ही गर्मी में रोटी नहीं खाई जा रही, मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा पानी दो। ग़ुलाम मोहम्मद का यूनिफॉर्म धोकर डाला था, अब इसको लाइट आएगी, 6 बजे लाइट आएगी, तो 6 बजे इस्त्री होगी, दिमाग हमारे बंद हो रहे हैं गर्मी से भाई, इस कदर की गर्मी है।
थोड़ा सा खाना खाऊंगी, हसब तवक्को हसब मामूल, के बिना खाए भी नहीं रहा जाता। इका दिमाग खराब है क्या, कोई पागल है क्या, या नफ्सियाती ना, उठाओ ट्यूशन का टाइम हो रहा, चल जा पानी डाल गया। इतना नकता क्यों है तू, चल। हाँ हफ्ता इतवार की छुट्टी होगी ना अभी, तो तू जा। ढीठ ओ बदतमीज, चल जा। बिना पता चला गया ना कि मैं मोजे रखे हैं, जूता में से मोजे गायब कर देगी। यूनिफॉर्म धोना से पहले बाथरूम में से मोजा लेके गई है और मोजा मशीन का पटड़ा का नीचे छुपा के आ गई और दोनों पावा से नेट काबू करके सोगी कि अब नेट भी कौन दूँ और मोजा भी ढूंढ बेटा तू के जा। ऐसे काम करे या गुगू सतानी किता गुगू। औरत चाहे कितना ही लीमू पानी पी ले, रूह अफजा पी ले, ठंडे ठंडे मशरूबात पी ले, लेकिन उसका कलेजा तो लोन के सूटों से ही ठंडा होता है, ब्रांड के नहीं। या भैया ब्रांड हो, ब्रांड ब्रांड, आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस, बट कपड़े फिर भी ब्रांड के ही अच्छे लगते हैं। मैंने साया का पहना है ना, ये साया का है, ये जो मैं रात को घसीटती हूँ ये भी साया का है। पाँव में पहन के तो जनाब अब ये गुलाम मत का यूनिफॉर्म लाइट आने पर इस्त्री होगा। ये गुलाम जल्दी आए, जल्दी ट्यूशन की तैयारी कर। दरवाजा क्यों बज रहा है, कौन है दरवाजे पे? अगर तू दो मिनट के अंदर अगर तू तैयार नहीं हुआ ना, तो तीसरे मिनट पर तेरा छितरोल जो मैं लगाना रही हूँ, फिर तू देखिए दुनिया देखेगी। खिड़की खोलो तो ये हटाओ, बंद करो तो ये हटाओ, हटा हटा के मैं तो यह पड़ता ना सरका के बेजार हूँ। गुलाब जल्दी कर ले, तना भी कोई अकल है के कौनी, टाइम हो गया ट्यूशन का। पाकिस्तान कायदे से हमका तो गरीब का होया कौनी, गुलाम मत कई बार ही हो जाता। इमरान खान का तो होया को नहीं, कई बार ही हो जाता जो खाली चड्डा पहन के सोवर। मेरा घर में काम बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत काम बढ़ रहे हैं मेरा घर में। मैं जितनी देर सोऊं उतनी देर सोऊं, उठने के बाद मेरा सांस नहीं है। ये भरी धूप के अंदर मैंने उठ के काम करना पड़ रहा। कुछ रोटी पेट में डालूं, भूख लग रही है। मैंने नाश्ता भी कर रही हूँ मैं तो सुबह की। जल्दी कर, जल्दी कर, आजा फटाफट निकल के चड्डा पहन। इसका कारपेट मैंने उठा दिया है, कारपेट से चादर उठा दिए, इसकी चादर चेंज कर दी है। ये कमरा मैंने बिल्कुल आज़ाद कर दिया है, अब ये कुछ ठंडा रहने लगा है। पहले ये गर्म रहता था, अब कुछ ठंडा रहता है।
सालन फ्रिज में है, क्योंकि थोड़ी सी देर भी अगर हम सालन बाहर रखेंगे तो सालन फौरन से ख़राब हो जाता है, इसलिए सालन फ्रिज में होता है। और गरम करने की ज़हमत में इसलिए नहीं करती क्योंकि सालन गरम करके खाने से भाई टाइम भी एक तो इतना नहीं है कि सालन गरम करें, और दूसरा ये कि सालन गरम करके खाने से गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा लगता है। ऐसा लगता है गर्मी बहुत है, सालन गरम करने खड़े हो तो गर्मी लगती है। लो भाई रोटी भी खाई लेना। दोपहर का खाना बनाने के बाद मैंने किचन इतना नीट क्लीन कर दिया था कि मेरे किचन में सब कुछ धुला धुलाया रखा हुआ था। ये स्लैब जिसके ऊपर मैं हर वक्त कपड़ा रखती हूँ, ये ऑनलाइन मंगवाया था मैंने शाजिया भाईजान से। आधी रोटी से ज़्यादा खाने की गुंजाइश नहीं है, बस इतनी गर्मी में आधी रोटी ही खाई जाएगी। ओहो चवाणियाँ जा रही हैं। क्या हो गया? मैं समझी कुछ हुआ है, गर्मी इतनी है ना। ये लें जनाब, तो मैं खाना खाने बैठ चुकी हूँ। गवार की फली स्मोक वाली मैंने बनाई है। गवार की फली बनाते वक्त पहले मैं लहसुन ज़ीरे का बंगाड़ देती हूँ, फिर उसके बाद कुटी हुई मिर्चें, बैरिया मिर्चें, नमक कूटती हूँ। लहसुन ज़ीरे का बंगाड़ देने के बाद उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ एक। उस टमाटर को अच्छे से गला लेती हूँ, फिर उसमें गवार डाल दूँ, गवार को खूब पकाती हूँ बगैर बॉयल किए हुए। गवार खूब पकाती हूँ मैं, फिर उसमें हल्दी, मिर्चें, बेरिया मिर्चें कुटी हुई, नमक, बस। फिर जब ये बन जाती है तो इसमें मैं कोयले का स्मोक देती हूँ। यकीन माने इतना टेस्टी ये सालन बनता है, गवार का स्मोक वाला, धोनी वाला, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत टेस्टी होता है। जूहों का शैम्पू इस्तेमाल करें। यम्मी। चार बजे मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ क्योंकि मैं जोहर की नमाज़ के बाद सो गई थी, लाइट गई उस वक्त मेरी आँख खुली। भूख महसूस हुई, इसके बाबा को खाना दिया, फिर मैंने खाना खाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने कूलर बनाकर रूम में रख दिया कि बाहर इस कदर गर्मी है, कूलर रूम में रख दूँ, शायद हो सकता है पानी कुछ ठंडा रह जाए। लेकिन यकीन माने आप, कूलर रूम में रखने के बावजूद भी पानी नहायत गर्म था। नहायत गर्म पानी। ना कोई टेस्टी सालन है ना, क्या बताऊँ। सजगिल जो आपके लोन के सूट लाई वो दिखाए आपने? सजगिल के बकरायत के लिए लोन के सूट आए, दिखाती हूँ बाद में।
पकड़ो, शॉर्ट पकड़ो, किस कदर गर्मी तुम्हें, घर में आराम नहीं है। और गुलाम अहमद को कल क्या कह रहा था, आजा लड़ाई कर रहा है क्या? दारू तू इंसान बन जा, मैं कह रही हूँ, वार्निंग के साथ कह रही हूँ। वो तेरा नाम क्यों ले रहा है? लड़नों के साथ कौन है ये आरिफ? बोल बताएगी तेरे को, बाजी लड़वाएगी, ये भी सबर कर, तुम्हें सुकून नहीं है पड़ोस में रहने का, नहीं पता कि सुकून से कैसे रहते हैं जानवर। वो कह रहा मैंने नहीं बोला, आरिफ ने बोला है, बोले ना अभी मेरे को बता देना, फिर उसके बाद मैं इसको लड़वाती हूँ, सही का लड़वाऊंगी मैं इसको, बदतमीज। लड़ना नहीं बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया, लड़ो सारा दिन बेटा। ट्यूशन का टाइम तकरीबन हो चुका, गुलाम अहमद बस कर दे, बस अल्लाह का वास्ता बस कर दे। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग जो मैंने अभी कुछ देर पहले स्टार्ट किया, और अब अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर मुझे करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं जनाब मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली, सबसे ये दुदई के साथ एक और नया व्लॉग जनाब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। दिन का एक बज रहा है, एक से डेढ़ का टाइम हो रहा है, और जुम्मे का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आप सलाम पर दुरूद सलाम भेजने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन जुम्मे के दिन जो सलाम हम भेजते हैं वो बराह रास्त आप सलाम तक पहुंचाए जाते हैं। तो जुम्मे के दिन दुरूद का एहतमाम किया करें। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ जुम्मे के दिन के व्लॉग में दुरूद शरीफ लाजमी, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ लाजमी लाजमी पढ़ा करें। आपका दुरूद, आपका पढ़ा हुआ दुरूद आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जुम्मे का दिन बस, आज व्लॉग भी मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया और गर्मी इसका दर है। बेटा नीचे आएँ, आपको पता है इसका छींटा अगर बेड पर गिरेगा तो, नीचे आएँ। गुला इतनी गर्मी है कि कुछ नहीं सूझ रहा इस गर्मी में। नीचे आए, आए नीचे, नीचे आ जा, और इसको जल्दी से ख़त्म कर, और ख़त्म करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर और नमाज़ पढ़ जो और की जल्दी आ। हाँ तो फिर 7 बार दिन में बेड की चादर ठीक करती हूँ मैं, 7-8 बार दिन में बेडशीट ठीक करती हूँ मैं, ऐसे थोड़ी होता है। गलीचा लगाया हुआ किस लिए मैंने, नीचे बैठो ताकि बेड का इस्तेमाल कम हो। हर वक्त बेडशीट सही करने में लगी रहती हूँ मैं। कल रात को मेरे ससुराल की तरफ से कोई खातून मेरे पास आई थी, मेरी बहुत प्यारी जानने वाली ससुराली है मेरी, तो उन्होंने मुझसे मेरे व्लॉग के बारे में पूछा कि क्या बात है अपने व्लॉग में रिश्ते ख़त्म करने की बात कर रही हो। तो रिश्ते ख़त्म करने की बात उस सूरत में की जाती है जब हम रिश्तों से बदज़न हो जाते हैं। वो रिश्ते जो नाम बराए नाम हमारे साथ चल रहे होते हैं, नफ़े के लिए तो साथ होते हैं, नुकसान हमें वो पीछे से देते रहते हैं, मुनाफ़त करते रहते हैं हमारे मुँह पर, वो हमसे मुस्कुरा कर मिलते हैं और पीछे से दोनों हाथ उठाकर वो हमें पीठ पे लानत दे रहे होते हैं, हमारे बारे में गलत बयानी कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला जिन रिश्तों की हकीकत हम पर जाहिर कर दे कि वो हमारे लिए मुनाफिक है, तो उन रिश्तों का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। मैंने उनको समझा दिया था कल कि ये वजह थी, कोई हमें रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दे तो रिश्ते तो ऐसे चलते भी नहीं हैं मुनाफ़त के साथ जैसे रिश्ते हैं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझा दिया था कि जो रिश्ते मोहब्बत से चलें वही, जो रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाएं वही निपटें, मुनाफ़त से चलने वाले रिश्ते कभी नहीं निपटते, पीछे से गिबत करने वाले रिश्ते। मतलब बहुत मज़े की है, मेरी बेटी को भी खिलाना मुन्ना, बहन है ना आपकी, मेरी बेटी को खिलाना।
दोनों बहन भाइयों में लड़ाई। हम तो जब छोटे थे ना बहन भाई, हम तो आपस में लड़ते भी नहीं थे, गुलाम मत वादा, हम नहीं लड़ते थे। क्या है, टूटेगा मेरा कांच का बाउल। भाइयों से तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे, और आज भी हमारी जान बसती है भाइयों में। आप लोग सोचते होंगे अपने मैके वालों के लिए कोई बात नहीं करती, क्योंकि मेरे मैके वाले गलत बयानी नहीं करते किसी रिश्ते के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए मेरे मैके वाले कोई गलत बयानी नहीं करते। इसलिए मैं अपने मैके वालों की बात क्यों करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिश्ता जिस तरह चल रहा है मुखलिसी से, अल्लाह का शुक्र है वो रिश्ता उसी तरह से चल रहा है। जिनको तकलीफ़ है बोला भी उन्हीं के लिए जाता है, तो मेरे मैके वालों की तो बात ही क्या है, शुक्र है अल्लाह का। ससुराल के भी सारे रिश्ते ख़राब नहीं हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल के भी रिश्ते मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे खाला सास माँ जैसी मिली हैं, सास जैसी मिली हैं, मुझे फुप्पी सास माँ जैसी मिली हैं, सास जैसी मिली हैं, और इनके अलावा रिश्ते ऐसे हैं जो बड़े मोहब्बत वाले हैं, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पूरे ससुराल के लिए कहा नहीं, वो लोग जिन्हें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खटकते हैं, जो राशिद से जुड़े रिश्ते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बात बात में रिश्ते ख़त्म करने की धमकियाँ देते हैं, रास्ते ख़त्म करने की धमकियाँ देते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। रोज़ एक ही एक ब्लॉग बना बना के लोग तंग हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, बदसन हो जाएंगे। तस्बीह कर ले दुरूद शरीफ की, और गर्मी का आलम देखें आप। बहन को खिलाओ गुलाम अहमद, गुलाम बहन है ना आपकी, बहन नहीं है आपकी ना, खिला बेटा। कैसे आपका दिल चाह रहा है बगैर बहन के साथ खाए, खिला बहन को। अच्छा थोड़ा सा दे दे, दो चम्मच दे दे, बुला बहन को बुला, सजबील जाओ खा लो, सजबील खा ले मेरी बेटी। कैसे उतरता है बगैर बहन के आपके भलक से भी, कैसे उतरता है गुलामद। हम तो नहीं ऐसे कोई चीज़ खाते थे अपने भाई के बगैर। और भाई बेचारे अभी हम चले जाते हैं तो दस्तरखान पे पहले इंतज़ार करते हैं कि सब इकट्ठी हो जाए, उसके बाद खाना शुरू करें। ऐसी बुरी बात है ना बेटा, बुलाओ अपनी बहन को खिलाओ, वो मोहब्बत करती है आपसे, बहुत प्यार करती है आपसे, वो बुलाओ उसको, खा ले, आजा आजा परी, आजा आजा मेरी बेटी, खा ले, उधर नहीं आ रही, मैं बाउल उठा के बेड पे नहीं दूंगी, नीचे आके खा ले, बार बार फिर ये खाता है नीचे, छींटे मींटे बेड पे गिर जाएंगे। परी उठ जा, नीचे आ जा बेटा, आ जा, शाबाश। इस कदर गर्मी है कि गर्मी से सिवाय पानी के कुछ पेट में नहीं खाया जा रहा, बस पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ। मैंने आज सुबह वाली मेडिसिन नहीं ली, अल्लाह कल रात वाली भी नहीं ली थी, बकेंगे मुझे बाबा आपके। आपने बुलाया बहन को, बुरी बात, बहुत बुरी बात मेरा बेटा, बहुत बुरी बात। बहन के बगैर कुछ मत खाया करो, बहन को अपने साथ बिठा के खाया करो। आपका क्या है, क्या लेके आना है आपको, जिल्द लेके आनी है, कवर हाँ तो ले आना शाम में जाके, और आज लगवा लेना बहन से, लगवा लेना टेप कवर और क्या, स्टेपलर नहीं है, टेप कवर और क्या। आपकी दुआ, मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ ही हैं, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में तुम्हें कामयाब करे। इस गर्मी की वजह से कूलर हमें रूम में रखना पड़ रहा है, नज़र नहीं आता मुझे तो आजकल बिल्कुल, करीब का तो कुछ दिख रहा ही नहीं है मुझे, क्या हो गया अल्लाह, ऐसा कौन सा बुढ़ापा आ गया जो नज़र ही नहीं आता। खा ले बेटा,
मैंने तो खा लिया अभी अभी गंवार की फली के साथ, वो खाई है मैंने, खाएगा वो गंवार की फली के साथ मैंने अभी अभी रोटी खाई है, मुन्ना खा ले मेरे को तो, मेरा तो पेट भरा हुआ है, इतने मज़े की स्मोक वाली गंवार की फली बनी थी, शाम को राइस बना दूंगी, खा लो इसको, खाओ खाना खा के नहा के बेटा नमाज़ पढ़ ले, और मस्जिद में तो गर्मी है, घर पे पढ़ ले, इस वाले रूम में मैं पढ़ रही हूँ बस, अभी लाइट आ जाए फिर। शर्ट तो पहन लिया कर मेरा बेटा, तेरे सिक्स पैक नज़र आवा, मेरा बिल्डर बेटा, बहुत प्यारा मेरा बेटा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मेरा बेटा, बहुत प्यारा है मेरा बेटा, मेरी जान है, मेरी जान है, और मेरी बेटी, मेरी बेटी बोबड़ा की शक्ल की है, बोबड़ा की शक्ल की, बकरा वो बकरा जनाब ब्लॉग मेरा देखने वालों, मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें, वॉच टाइम पूरा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे वॉच टाइम पूरा करना है, तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें। बोला ऐसे नहीं करते, खा ले बेटा, ठंडी होगी तो वो ऐसी हो जाएगी ख़राब, खा के ख़त्म कर। मेरा व्लॉग देखने वालों, मेरा व्लॉग पूरा देखा करें प्लीज़, और कमेंट में मुझे बताया करें कौन कहां कहां से मेरे व्लॉग देख रहा है, मतलब कौन कहां कहां से मेरे व्लॉग देख रहा है, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताया करें, और वॉच टाइम मेरा पूरा हो जाएगा अगर आप मेरे व्लॉग को पूरा देखेंगे तो, प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखा करें। और ये था मेरा गर्मी का अब तक का व्लॉग, व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम ज़रूर किया करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं जनाब मेरे तमाम यूट्यूब फैमिली, सब सैयद उदय के साथ एक और नया व्लॉग जनाब मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है। दिन का एक बज रहा है, एक से डेढ़ का टाइम हो रहा है, और जुम्मे का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है, जैसा कि मैंने अभी कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आप सलाम पर दुरूद सलाम भेजने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, लेकिन जुम्मे के दिन जो सलाम हम भेजते हैं वो बराह रास्त आप सलाम तक पहुंचाए जाते हैं, तो जुम्मे के दिन दुरूद का एहतमाम किया करें। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ जुम्मे के दिन के व्लॉग में दुरूद शरीफ लाजमी, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ लाजमी लाजमी पढ़ा करें, आपका दुरूद, आपका पढ़ा हुआ दुरूद आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जुम्मे का दिन बस, आज व्लॉग भी मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, और गर्मी इस कदर है, बेटा नीचे आएँ, आपको पता है इसका छीटा अगर बेड पर गिरेगा तो, नीचे आएँ, गुला गुला, इतनी गर्मी है कि कुछ नहीं सूझ रहा इस गर्मी में, नीचे आए आए, नीचे नीचे आ जा, और इसको जल्दी से ख़त्म कर, और ख़त्म करने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर, और नमाज़ पढ़ ज़ोहर की जल्दी आ। हाँ तो फिर 7 बार दिन में बेड की चादर ठीक करती हूँ मैं, 7-8 बार दिन में बेडशीट ठीक करती हूँ मैं, ऐसे थोड़ी होता है, गलीचा लगाया हुआ किस लिए मैंने, नीचे बैठो ताकि बेड का इस्तेमाल कम हो, हर वक्त बेडशीट सही करने में लगी रहती हूँ मैं। कल रात को मेरे ससुराल की तरफ से कोई खातून मेरे पास आई थी, मेरी बहुत प्यारी जानने वाली ससुराली है मेरी, तो उन्होंने मुझसे मेरे व्लॉग के बारे में पूछा कि क्या बात है अपने व्लॉग में रिश्ते ख़त्म करने की बात कर रही हो, तो रिश्ते ख़त्म करने की बात उस सूरत में की जाती है जब हम रिश्तों से बदजन हो जाते हैं, वो रिश्ते जो नाम बराए नाम हमारे साथ चल रहे होते हैं, नफ़े के लिए तो साथ होते हैं, नुकसान हमें वो पीछे से देते रहते हैं, मुनाफ़त करते रहते हैं, हमारे मुँह पर वो हमसे मुस्कुरा कर मिलते हैं, और पीछे से दोनों हाथ उठाकर वो हमें पीठ पे लानत दे रहे होते हैं, हमारे बारे में गलत बयानी कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला जिन रिश्तों की हकीकत हम पर जाहिर कर दे कि वो हमारे लिए मुनाफिक है, तो उन रिश्तों का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। मैंने उनको समझा दिया था कल कि ये वजह थी, कोई हमें रिश्ता ख़त्म करने की धमकी दे तो रिश्ते तो ऐसे चलते भी नहीं हैं मुनाफ़त के साथ जैसे रिश्ते हैं। बड़े प्यार से मैंने उन्हें समझा दिया था कि जो रिश्ते मोहब्बत से चलें वही, जो रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाएं वही निपटें, मुनाफ़त से चलने वाले रिश्ते कभी नहीं निपटते, पीछे से गिबत करने वाले रिश्ते
ना बहुत मज़े की है। मेरी बेटी को भी खिलाना मुन्ना। बहन है ना आपकी, मेरी बेटी को खिलाना। दोनों बहन भाइयों में लड़ाई, हम तो जब छोटे थे ना बहन भाई, हम तो आपस में लड़ते भी नहीं थे, गुलाम मत वादा हम नहीं लड़ते थे। क्या है, टूटेगा मेरा कांच का बाउल। भाइयों से तो हम बिल्कुल भी नहीं लड़ते थे, और आज भी हमारी जान बसती है भाइयों में। आप लोग सोचते होंगे अपने मैके वालों के लिए कोई बात नहीं करती, क्योंकि मेरे मैके वाले गलत बयानी नहीं करते किसी रिश्ते के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए मेरे मैके वाले कोई गलत बयानी नहीं करते। इसलिए मैं अपने मैके वालों की बात क्यों करूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिश्ता जिस तरह चल रहा है मुखलिसी से, अल्लाह का शुक्र है वो रिश्ता उसी तरह से चल रहा है। जिनको तकलीफ़ है बोला भी उन्हीं के लिए जाता है, तो मेरे मैके वालों की तो बात ही क्या है, शुक्र है अल्लाह का। ससुराल के भी सारे रिश्ते ख़राब नहीं हैं मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल के भी रिश्ते मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे खाला सास माँ जैसी मिली हैं, सास जैसी मिली हैं, मुझे फुप्पी सास माँ जैसी मिली हैं, सास जैसी मिली हैं, और इनके अलावा रिश्ते ऐसे हैं जो बड़े मोहब्बत वाले हैं, बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पूरे ससुराल के लिए कहा, नहीं, वो लोग जिन्हें मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खटकते हैं, जो राशिद से जुड़े रिश्ते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बात बात में रिश्ते ख़त्म करने की धमकियाँ देते हैं, वास्ते ख़त्म करने की धमकियाँ देते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। रोज़ एक ही एक ब्लॉग बना बना के लोग तंग हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे, बदसम हो जाएंगे। तस्बीह कर ली दुरूद शरीफ की, और गर्मी का आलम देखें आप। बहन को खिलाओ गुलाम अहमद, गुलाम बहन है ना आपकी, बहन नहीं है आपकी, गुलाम खिला बेटा। कैसे आपका दिल चाह रहा है बगैर बहन के साथ खाए, खिला बहन को। अच्छा थोड़ा सा दे दे, दो चम्मच दे दे, बुला बहन को बुला, सजबील जाओ खा लो, सजबील खा ले मेरी बेटी। कैसे उतरता है बगैर बहन के आपके, भलक से भी कैसे उतरता है गुलामद। हम तो नहीं ऐसे कोई चीज़ खाते थे अपने भाई के बगैर। और भाई बेचारे अभी हम चले जाते हैं तो दस्तरखान पे पहले इंतज़ार करते हैं कि सब इकट्ठी हो जाए, उसके बाद खाना शुरू करें। ऐसी बुरी बात है ना बेटा, बुलाओ अपनी बहन को खिलाओ, वो मोहब्बत करती है आपसे, बहुत प्यार करती है आपसे, वो बुलाओ उसको, खा ले। आजा आजा परी, आजा नहीं। आजा मेरी बेटी खा ले, उधर नहीं आ रही, मैं बाउल उठा के बेड पे नहीं दूंगी, नीचे आके खा ले। बार बार फिर ये खाता है नीचे, छींटे मींटे बेड पे गिर जाएंगे। परी उठ जा, नीचे आ जा बेटा, आ जा, शाबाश। इस कदर गर्मी है कि गर्मी से सिवाय पानी के कुछ पेट में नहीं खाया जा रहा, बस पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ। मैंने आज सुबह वाली मेडिसिन नहीं ली, अल्लाह, कल रात वाली भी नहीं ली थी, बकेंगे मुझे बाबा आपके। आपने बुलाया बहन को, बुरी बात, बहुत बुरी बात मेरा बेटा, बहुत बुरी बात। बहन के बगैर कुछ मत खाया करो, बहन को अपने साथ बिठा के खाया करो। आपका क्या है, क्या लेके आना है आपको, जिल्द लेके आनी है, कवर हाँ तो ले आना शाम में जाके, और आज लगवा लेना बहन से, लगवा लेना टेप कवर, और क्या, स्टेपलर नहीं है, टेप कवर, और क्या। आपकी दुआ, मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ ही हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी में तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह तआला शुक्र है।
इस गर्मी की वजह से कूलर हमें रूम में रखना पड़ रहा है। नज़र नहीं आता मुझे तो आजकल बिल्कुल, करीब का तो कुछ दिख रहा ही नहीं है मुझे। क्या हो गया अल्लाह, ऐसा कौन सा बुढ़ापा आ गया जो नज़र ही नहीं आता। खा ले बेटा, मैंने तो खा लिया अभी अभी, गंवार की फली के साथ वो खाई है मैंने, खाएगा वो गंवार की फली के साथ मैंने अभी अभी रोटी खाई है। मुन्ना खा ले, मेरे को तो, मेरा तो पेट भरा हुआ है, इतने मज़े की स्मोक वाली गंवार की फली बनी थी, शाम को राइस बना दूँगी, खा लो इसको, खाओ खाना खा के, नहा के बेटा नमाज़ पढ़ ले, और मस्जिद में तो गर्मी है, घर पे पढ़ ले, इस वाले रूम में मैं पढ़ रही हूँ बस, अभी लाइट आ जाए फिर। शर्ट तो पहन लिया कर मेरा बेटा, तेरे सिक्स पैक नज़र आवा, मेरा बिल्डर बेटा, बहुत प्यारा है मेरा बेटा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है मेरा बेटा, बहुत प्यारा है मेरा बेटा, मेरी जान है, मेरी जान है, और मेरी बेटी, मेरी बेटी भोबड़ा की शक्ल की है, भोबड़ा की शक्ल की, बकरा वो बकरा। जना ब्लॉग मेरा देखने वालों, मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें, वॉच टाइम पूरा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे वॉच टाइम पूरा करना है, तो आप मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच किया करें। बोला ऐसे नहीं करते, खा ले बेटा, ठंडी होगी तो वो ऐसी हो जाएगी ख़राब, खा के ख़त्म कर। मेरा व्लॉग देखने वालों, मेरा व्लॉग पूरा देखा करें प्लीज़, और कमेंट में मुझे बताया करें कौन कहां कहां से मेरे व्लॉग देख रहा है, मतलब कौन कहां कहां से मेरे व्लॉग देख रहा है, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताया करें, और वॉच टाइम मेरा पूरा हो जाएगा अगर आप मेरे व्लॉग को पूरा देखेंगे तो। प्लीज़ मेरा व्लॉग पूरा देखा करें, और ये था मेरा गर्मी का अब तक का व्लॉग। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम ज़रूर किया करें।